हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो विभिन्न सूचकांक यानी इंडेक्सेस जो आए हैं और जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं उनमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। तो वैसे तो हम पूरे ऑल ओवर इंडेक्स की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट जो हम करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश की स्थिति की, मध्य प्रदेश की उसमें क्या रैंक है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। गाइज, हमारी MPPSC की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है इसका कॉस्ट अभी 359 ओनली है। ये अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। MPSI, MP कांस्टेबल मध्य प्रदेश, GK, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, PV सब इंजीनियर, फिर साइंस ग्रुप 4, ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये ई बुक प्रिंटेड हार्ड कॉपी हैं, अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा जनवरी 2019 और जुलाई से लेकर नवंबर 2019 का करंट अफेयर MP का अवेलेबल है। जल्दी फेब का तैयार हो गया है और आपका जून का तैयार हो गया है, ठीक है। बाकी आपका बचा है तो वो जल्द ही तैयार करके मैं आपको दे दूंगा, तो आपका ये पूरा इस साल का 2019 का करंट अफेयर कंप्लीट करवा दूंगा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक यानी कि SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार अच्छा प्रदर्शन की कैटेगरी में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को जो स्थान मिला है वो है 10th। तो SDG इंडिया इंडेक्स जो है एक बेसलाइन रिपोर्ट ये होती है, 2018 में आई थी, 21 दिसंबर 2018 को। कौन इसको पब्लिश करता है? ये करता है नीति आयोग, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक यानी कि SDG इंडिया इंडेक्स, ठीक है। और ये सूची जो है वो वर्ष 2030 SDG लक्ष्यों को लागू करने में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को दर्शाती है। SDG भारत सूचकांक जो है ये 62 प्राथमिक संकेतक जो हैं उन पर आधारित है, और इन संकेतकों का जो चयन है वो नीति आयोग ने किया है। मतलब ये इंडेक्स कौन लेके आता है? ये जो इंडेक्स है ये लेके आता है नीति आयोग। यहाँ पे हम बात करें कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक का जो वर्गीकरण का आधार है वो 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से आकांक्षी, अच्छा प्रदर्शन और अग्रणी और लक्ष्य प्राप्तकर्ता। इसमें से आकांक्षी में आएंगे आपके एस्पायरेंट्स, जिनको 0 से लेके 49 अंक मिलेंगे। परफॉर्मर में 50 से 64 अंक हैं। फ्रंट रनर उनमें 65 से 99 अंक हैं। और लक्ष्य प्राप्तकर्ता में आपके 100 अंक हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, लक्ष्य प्राप्तकर्ता तो एक कोई भी नहीं है, ये सबसे अच्छी रैंक थी, मतलब 100 मार्क्स इसमें मिलने थे, इसमें कोई भी नहीं है। अग्रणी में आपके हिमाचल प्रदेश इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और पुंडिचेरी, आपको हिमाचल प्रदेश यहाँ पर याद रखना है। अच्छा प्रदर्शन की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आया है, उसके बाद फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, बाकी छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो है इसमें अच्छा प्रदर्शन की जो कैटेगरी है उसमें इसकी रैंक है 10, ठीक है। इसके अलावा जो आकांक्षी राज्य हैं उनमें आपका असम पहले नंबर पे है, फिर बिहार है और फिर आपका उत्तर प्रदेश है। गाइज, एक चीज़ और हम बता दें, ये जो टॉपिक है ये जनरली आपको कोई भी कवर नहीं कराएगा, ना तो आपको किसी बुक में ये टॉपिक मिलेगा। आपको इंडेक्स के बारे में तो पता हैंगे, लेकिन स्पेशली मध्य प्रदेश की कहाँ क्या रैंक है उसके बारे में ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगी। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारे जो इंडेक्स हैं वो आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो 2018 से लेके 2019 तक के जितने भी इसमें हैं वो सारे मैं कवर कर रहा हूँ। अगला हमारा, हाल ही में जारी भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो देखिए, आपदा जोखिम सूचकांक जो है उसमें महाराष्ट्र जो है वो पहले नंबर पे है, ठीक है। और ये जून 2018 में ये रिपोर्ट आई थी, ये सूचकांक आया था, इंडेक्स आया था, जो भारत का पहला आपदा जोखिम सूचकांक था, ठीक है। ये जो सूचकांक है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके सहयोग से गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। और महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र की इसमें फर्स्ट रैंक है, इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। यानी आपदा जोखिम सूचकांक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपदा का सबसे ज़्यादा डर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश, और चौथे नंबर पर है इसमें मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सर्वाधिक आपदा जोखिम वाले राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है और मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है। तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो इसमें भी कोई खास अच्छी नहीं है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो दिल्ली जो है वो सर्वाधिक आपदा जोखिम प्रवण है, और इस सूचकांक में देश के 640 जिलों के नुकसान मानचित्रण और सुभेद्यता पर आधारित है ये सूचकांक, ठीक है। और इसमें आपदाओं के प्रति आबादी, पशु, कृषि, पर्यावरण को होने वाले नुकसानों के आधार पर रैंकिंग
प्रदान करी गई है। आपको यहां पर रैंक याद रखनी है कि आपदा जोखिम सूचकांक जो है आपका, ठीक है, उसमें मध्य प्रदेश की क्या रैंक है, पहले नंबर पे कौन है, और यहां पे दिल्ली जो है, जैसे फॉर एग्जांपल केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की रैंक क्या है। आगे हम बात करते हैं हाल ही में कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यानी कि समग्र जल प्रबंधन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए इसके बारे में हमने हमारी एमपी की डेली करंट अफेयर्स में भी आपको बताया था, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक यानी कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है ये तैयार कराया जाता है नीति आयोग के द्वारा। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आया है 23 अगस्त 2019 को, ठीक है, और ये इसका दूसरा संस्करण था, ठीक है। इससे पहले ये एक और मतलब लास्ट ईयर यानी कि 2018 में भी ये सूचकांक आ चुका है। नीति आयोग ने इस बार जल शक्ति और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से इसको जारी किया है, और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी रहती हैं, जैसे गैर हिमालयी राज्य हैं या हिमालयी राज्य हैं या पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इस प्रकार से कैटेगरी बनाई जाती है। तो गैर हिमालयी राज्यों में इसमें गुजरात को प्रथम रैंक मिली है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है और मध्य प्रदेश को इसमें तीसरा स्थान मिला है। तो गुजरात फर्स्ट नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसमें तीसरे नंबर पर। एक और चीज़ ध्यान रखें गाइज, हमने जो पीडीएफ तैयार करी है उसमें भी ये सारी चीज़ें जो है मैं इंक्लूड कर दूंगा। कुछ चीज़ें अभी मैंने इंक्लूड कर दी हैं, कुछ चीज़ों को मैं अलग से इसमें इंक्लूड करूंगा। पीडीएफ में स्टार्टिंग में सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी। फाइनल जो हमारी पीडीएफ बनेगी पूरे साल की, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा कंप्लीट जो 2019 का करंट अफेयर होगा, जो आपको आगे तक काम आएगा एमपीपीएससी 2020 के लिए और अदर जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए, तो उसमें ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको इंक्लूड करके दूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका गुजरात पहले नंबर पे, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे। अगर हम बात करते हैं तो दूसरा संस्करण है इसका, पहला संस्करण यानी कि 2018 में मध्य प्रदेश को गुजरात के बाद दूसरा स्थान मिला था, मतलब गुजरात इसमें भी पहले नंबर पे आया था 2018 में, लेकिन आंध्र प्रदेश अब दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले कौन था दूसरे नंबर पर? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की एक रैंक इसमें क्या हो गई है? कम हो गई है। इसके साथ ही इंडेक्स में जो उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, उत्तराखंड को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट मतलब वाटर के लिए मैनेजमेंट मतलब कैसे किया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। इस इंडेक्स में 25 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। संघ राज्य क्षेत्रों में पुडुचेरी को पहला और दिल्ली को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल को इसमें शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ क्षेत्र गुजरात को पीछे छोड़कर सर्वाधिक निवेश अनुकूल गंतव्य बना? तो देखिए गुजरात को पीछे छोड़कर निवेश अनुकूल गंतव्य जो है, जो राज्य है वो बन गया है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है आपका ये, और राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद यानी कि NCAER, ठीक है, इसके द्वारा ये आपका NCAER राज्य निवेश संभाव्यता सूचकांक 2018 यानी कि NCP 2018 जारी किया गया था। ये करा गया 3 अगस्त 2018 को और यह वार्षिक राज्य निवेश संभाव्यता सूचकांक का तीसरा संस्करण था। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, एक्चुअल में मार्च 2016 में पहला संस्करण आया था इसका, दूसरा संस्करण आया था जुलाई 2017 में और तीसरा संस्करण ये आया है आपका अगस्त 2018 में, ठीक है। 2018 में 20 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को इसमें शामिल करा गया था। इसमें 6 स्तंभ नाम था, भूमि, श्रम, अवसंरचना, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक स्थिरता और शासन एवं व्यापारिक धारणाएं के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है, ठीक है। तो इसमें दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और केरल क्रमशः शीर्ष 6 व्यापार निवेश संभाव्य राज्य, मतलब इनमें व्यापार करना सबसे ज्यादा आसान है। पहले नंबर पर इसमें कौन है? दिल्ली है। यहां भूमि स्तंभ का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर तेलंगाना को पहली रैंक मिली है और इसके बाद दूसरी जो रैंक है वो मिली है मध्य प्रदेश को, ठीक है। किसके मामले में? जो 6 स्तंभ हैं उनमें से भूमि के मामले में, ठीक है। तो मतलब मध्य प्रदेश में भूमि निवेश के लिए जो भूमि है वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। इसमें रैंक क्या है इसकी? रैंक है इसकी सेकंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जीवन सुविधा सूचकांक 2018 आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की एक पहल है। ये बिल्कुल सही है, सूचकांक में 110 शहरों को शामिल किया गया, ये गलत है क्योंकि सूचकांक में 111 शहरों को शामिल किया गया।
यह सूचकांक चार स्तंभों नामतः संस्थागत, सामाजिक, आर्थिक और भौतिक पर आधारित हैं। मतलब ये चार मतलब बोलना चाहिए स्तंभ हैं जिन पे इसको कैटेगराइज किया गया है। राज्यों की रैंक डिसाइड करी गई है। सूचकांक में पुणे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी फैक्ट बिल्कुल सही है। थोड़ा सा डिटेल में आते हैं इसमें हम। देखिए इसमें अलग अलग शहरों के लिए एक्चुअल में आई है। 13 अगस्त 2018 को जो आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार मतलब 2018 में थे, हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने जीवन सुविधा सूचकांक 2018 यानी कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कि किस शहर में रहना सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है, ये जारी किया था, जिसमें 111 शहरों का आकलन प्रस्तुत किया गया था। इसमें 58.11 अंक के साथ पुणे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, क्योंकि पुणे में लिविंग इंडेक्स सबसे बेस्ट है। दूसरे नंबर पे है नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, फिर है आपका तिरुपति और चंडीगढ़ को दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश का जो रामपुर है वो अंतिम स्थान पर है, यानी कि 111वां स्थान उसको प्राप्त हुआ है। सूचकांक में शीर्ष 10 शहरों में जो अन्य शहर हैं उनमें है आपका ठाणे, ये पांच तो आपके बताई दिए मैंने आपको, पहला पुणे हो जाएगा, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, ठीक है, ये महाराष्ट्र के हो जाएंगे, फिर आपका तिरुपति आंध्रा का हो जाएगा, चंडीगढ़ पंजाब का हो जाएगा, ये पांच हो जाएंगे, फिर मुंबई का ठाणे है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है, फिर आपका इंदौर जो इंदौर मध्य प्रदेश का है, और ये इसमें इंदौर की रैंक क्या है आपकी, इंदौर की रैंक है 8th, ठीक है, मतलब लिविंग इंडेक्स में इंदौर की रैंक क्या मिली है, 8th रैंक मिली है। फिर है आपका विजयवाड़ा और फिर है आपका भोपाल। तो मध्य प्रदेश के लिविंग इंडेक्स में, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप 10 में कितने, 2 शहर आए हैं, ठीक है, तो ये भी प्रश्न यहाँ से बनता है। दूसरा बनता है कि इंदौर की रैंक क्या है और भोपाल की रैंक क्या है, ठीक है। तो संस्थागत स्तंभ में पहला स्थान नवी मुंबई को मिला है, सामाजिक स्तंभ में पहला स्थान तिरुपति को मिला है, आर्थिक स्तंभ में पहला स्थान चंडीगढ़ को मिला है, और भौतिक स्तंभ में पहला स्थान मिला है ग्रेटर मुंबई को, ठीक है। गाइज हमारा 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, बहुत अच्छे टेस्ट इसमें मैंने इंक्लूड करे हैं, ठीक है। इनको अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 30 सितंबर 2019 को नीति आयोग द्वारा स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया गया, इस सूची में देश के बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए पढ़ाई की जब भी बात आती है तो केरल ही जनरली बाजी मारता है, तो इसमें भी केरल का जो है शीर्ष स्थान केरल को मिला है। बड़े राज्यों की यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी इनकी बनाई जाती हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई इंडेक्स आता है, कोई रैंक आती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये जरूरी होता है कि रैंक जो निकाली जाए वो बराबरी वालों में निकाली जाए, ठीक है। आप केरल का कंपेरिजन किसी जहाँ पर साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कम है उससे नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए केरल में साक्षरता दर जो है वो 70-75% के आसपास है मान लीजिए, और एक कोई दूसरा राज्य हम ले लेते हैं, मान लीजिए यूपी ले लीजिए, तो वहाँ पे जो साक्षरता दर 30% है, तो दोनों में एक अच्छा खासा अंतर यहाँ पे आ जाता है, तो हम इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऐसे ही देश के जो बड़े राज्य हैं उनका कंपैरिजन छोटे राज्यों से नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें आपका जो केरल है उसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो 30 सितंबर 2019 को ये रैंक आई है, इंडेक्स आया है, और स्कूल शिक्षा गुणवत्ता यानी कि एस स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, SEQI, ठीक है, ये इसका पहला संस्करण था, 30 सितंबर 2019 को आया है। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का जो मूल्यांकन है उसको करने के लिए नीति आयोग द्वारा यह सूचकांक विकसित किया गया है, और संदर्भ वर्ष जो था इसका वो था 2016-17, और जो आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर जो था वो था 2015-16, ठीक है, और तीन भागों में वर्गीकृत करा गया इसको, बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। संपूर्ण प्रदर्शन श्रेणी में 20 बड़े राज्यों को रैंकिंग प्रदान की गई, जिसमें केरल को पहला स्थान मिला है, इसके बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है, कर्नाटक तीसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर, गुजरात पांचवें नंबर पर, मध्य प्रदेश को इस सूचकांक में स्थान मिला है 15वां, ठीक है, तो ये ध्यान रखें 15th रैंक जो है इसको मध्य प्रदेश को इसमें मिली है, और उत्तर प्रदेश को इसमें सबसे निचला स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। सबसे नीचे कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश, 20 बड़े राज्यों में, मतलब 20 रैंक किसकी है आपकी, उत्तर प्रदेश की। नदी स्वास्थ्य सूचकांक की रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश स्थित किस नदी की स्वयं को स्वच्छ रखने की क्षमता घट रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम अपना डेली करंट अफेयर्स जो है MP का उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप समझ ही गए होंगे। नर्मदा इसका सही आंसर है,
और ये मध्य प्रदेश का इंडेक्स है एक्चुअल में, तो जंगल और जमीन से होने वाला जो रिसाव है उससे खुद को शुद्ध करने की जो क्षमता है नर्मदा नदी की वो घट गई है, और डिंडोरी समेत मध्य प्रदेश में ही 26 स्थानों पर हैवी मेटल नर्मदा में पाए गए। ठीक है, और नर्मदा समग्र न्यास ने 2014 से लेके 2017 के बीच में ये आकलन किया था, और उसके बाद फिर नर्मदा नदी स्वास्थ्य सूचकांक संबंधित रिपोर्ट जारी की थी। इस संस्था के अनुसार 3 साल में नदी के अलग अलग स्थानों से 12,000 सैंपल लिए गए, उन्हीं के आधार पर पूरी जो रिपोर्ट है वो तैयार करी गई है। नर्मदा समग्र के संस्थापक एवं पूर्व केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री स्वर्गीय अनिल माधव दवे, इन्होंने नर्मदा नदी स्वास्थ्य सूचकांक का अध्ययन करने की शुरुआत करी थी। तो ये आपका एक स्टैटिक जीके का प्रश्न अब बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, करंट अफेयर आगे चल के जो है आपका मैक्सिमम जो करंट अफेयर है वो आपका स्टैटिक जीके बन जाता है, इसलिए करंट अफेयर को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी बाल कल्याण सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो सबसे आखिरी रैंक है मध्य प्रदेश की इसमें बाल कल्याण सूचकांक रिपोर्ट में, यानी कि चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स। तो चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार केरल जो है वो पहले नंबर पर है, तमिलनाडु है दूसरे पे, हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पे, और पुडुचेरी जो है वो चौथे नंबर पे है, जबकि मेघालय झारखंड और मध्य प्रदेश इस सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, सारे राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो एक शोध संस्थान है IFMR लीड, ठीक है, इन्होंने और एक गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड विजन इंडिया, इनके सहयोग से ये रिपोर्ट बनाई गई है, और ये जो रिपोर्ट है ये स्वास्थ्य पोषण शिक्षा स्वच्छता और बाल संरक्षण जैसे विभिन्न आयामों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, मतलब इसमें इन चीजों के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। कुपोषण और सबसे कम जीवन प्रत्याशा के चलते मध्य प्रदेश को इस इंडेक्स में 0.44 अंक मिले हैं। सबसे कम जीवन प्रत्याशा यानी कि एक बच्चा पैदा होने के बाद उसके जीने की जो चांसेस हैं वो कितने कम होते हैं, और इसके साथ साथ कुपोषण, तो कुपोषण में अगर हम बात करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, सूचकांक की जो गणना है वो 3 आयामों पर, जिसमें स्वस्थ व्यक्तिगत विकास, सकारात्मक संबंध और सुरक्षात्मक संदर्भ, ये 3 आयाम लिए गए हैं, 24 संकेतक इसमें शामिल करे गए थे। इंडिकेटर्स, संकेतक यानी होते हैं आपके इंडिकेटर्स, इन इंडिकेटर्स के आधार पर पूरी रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की 2017 के अपराधों की रिपोर्ट के हिसाब से पानी को लेकर हिंसा में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो पानी को लेकर जो हिंसा मध्य प्रदेश में होती है उसमें मध्य प्रदेश को मिला है पहला स्थान। ठीक है, नेशनल क्राइम मतलब अभिलेख ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, इसकी 2017 के अपराधों की ये पूरी जो रिपोर्ट है वो है। ठीक है, NCRB। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है, इसके साथ साथ 2017 की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पानी को लेकर जो हिंसा हुई उसमें 14 लोगों की मृत्यु हुई है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसी के साथ महाराष्ट्र में भी 14 लोगों की ही मृत्यु हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में जो हत्या की घटनाएं हैं वो 2016 की तुलना में 6.7% बढ़ी हैं, जो कि बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद देश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब बिहार तो पहले नंबर पे है ही, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर 5वें नंबर पर इसमें आ रहा है आपका मध्य प्रदेश। गाइज, ये जो NCRB की पूरी रिपोर्ट है इसको हम अपने करंट अफेयर में इंक्लूड करेंगे, जो PDF आपको दूंगा उसमें पूरी रिपोर्ट जो इसकी आई है उसको इंक्लूड करूंगा, क्योंकि इसको या तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए या पूरा इसको PDF में मैं आपको दे दूंगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उसमें इंक्लूड करूंगा, जैसे कौन क्या है एक टॉपिक रहेगा, एक आपकी रिपोर्ट हो जाएगी, अलग अलग इंडेक्सेस सारे हो जाएंगे आपके, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण है आपका। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैंने सेलेक्ट करे हैं, इन पर मैं काम कर रहा हूँ, जल्द ही जो PDF है, थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि उसको परफेक्ट बना सकूँ मैं। अगला प्रश्न है, ट्रैवल मीडिया कंपनी लॉनली प्लैनेट द्वारा जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को कौन सी जगह मिली है? तो ट्रैवल मीडिया कंपनी लॉनली प्लैनेट जो है इसको भी हम मतलब डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं, आप समझ गए होंगे, इसको मिला है तीसरा स्थान। ठीक है, तो ट्रैवल इन मीडिया कंपनी है लॉनली प्लैनेट, ठीक है, उसने मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान दिया है पर्यटन के संबंध में। ये रिपोर्ट जो है वो 2020 के लिए दुनिया के बेहतरीन पर्यटक स्थलों के सर्वेक्षण के आधार पर जारी की गई है, और कंपनी द्वारा बेहतरीन पर्यटक स्थल का जो चुनाव है वो 5 पैमानों पर किया गया है, वो है वन्य जीव, ऐतिहासिक धरोहर,
भवन निर्माण कला के नमूने, तीर्थ स्थल और सबकी पसंद का खाना, इन 5 पैरामीटर्स पे ये रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। चलिए कमेंट करके बताइए इसमें फर्स्ट और सेकंड रैंक पे कौन है। अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन पता होगा। ट्रेनों में चोरी के मामले में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश है दूसरे स्थान पर, पहले नंबर पर है इसमें महाराष्ट्र, ठीक है, जबकि दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, ये 5 राज्य हैं जो आपके टॉप में हैं, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है आपका, ठीक है, यानी कि NCRB जो है उसकी रिपोर्ट में ये भी जानकारी आई है। यूपी में ट्रेनों में हुई चोरी के मामलों की जानकारी इसमें नहीं इंक्लूड करी गई है, ठीक है। मेरे ख्याल से यूपी का अगर इसमें नाम होता तो यूपी ही पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर होता। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनों में चोरी के 74,000 से ज़्यादा मामले दर्ज करे गए हैं, इनमें से करीब 157 करोड़ की संपत्ति जो है वो चोरी हुई है। ये पूरे देश की यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है, 74,000 से ज़्यादा मामले, ठीक है। तो महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश इसमें दूसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक 3rd 2019 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मध्य प्रदेश को मिला है 14वां स्थान, ये भी नीति आयोग का है। और इस प्रतिस्पर्धी क्षमता के लिए संस्थान जो है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर, ठीक है, और भारत नवाचार सूचकांक 3rd जारी किया गया है, इनोवेशन इंडेक्स जिसको कहा जाएगा इंग्लिश में। इसमें कर्नाटक जो है वो भारत में सर्वाधिक अभिनव प्रमुख राज्य है, ठीक है, और इस दृष्टि से शेष शीर्ष 10 प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। देखिए ध्यान रखें, पहला जो जिसकी रैंक आई है वो तो आपको याद रखना ही रखना है, इसके साथ साथ MP की क्या रैंक है आपको वो याद रखनी है। दूसरे, तीसरे, चौथे अगर आप याद नहीं भी रख पाओगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जनरली इसमें फर्स्ट रैंक जो है वो पूछा जाता है या कोई स्पेशल केस हो वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हरियाणा की रैंक पिछली बार इसमें 3rd थी और इस बार पता चलता है कि हरियाणा की रैंक पहुंच गई 20 पे, तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ें याद रखनी होती हैं। मध्य प्रदेश को भारत नवाचार सूचकांक में 14वां स्थान मिला है, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ इस लिस्ट में आखिरी पायदानों पर है। तो लास्ट में जो है वो भी याद रखना आपको जरूरी है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो गाइज ये पूरा थे हमारे रिपोर्ट और इंडेक्सेस के बारे में। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है लाइक जरूर कर दें वीडियो को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और इससे संबंधित और भी अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दीजिए। बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो पहले से अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। आपको वीडियो का जो टाइटल है वो सर्च करना है केवल। फॉर एग्जांपल आप आर्थिक सर्वेक्षण अगर देखना चाहते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिकल सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश NS एजुकेशन सर्च करें, आपको यूट्यूब पे हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो भी टॉपिक चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको, ठीक है गाइस। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, थैंक यू।